यूनान के वर्क परमिट वीज़े के इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन का सही जवाब क्या होता है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे पार्ट टू के, पार्ट टू में जो यूनान का एग्रीकल्चर वीज़ा या सीजनल वीज़ा होता है वो जब आ जाता है या उसके हवाले से जब आपको मैसी कॉल करती है, अपॉइंटमेंट देती है इंटरव्यू के लिए, उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। जी हाँ, जब वकील वहाँ पे जो यूनान में, जैसे हमने पार्ट टू में बात की, आपकी सारी फाइल रेडी कर कंपाइल करके एक इस्लामाबाद में यूनान की एम्बेसी को मेल जाती है, तो उस मेल के बिहाव पे आपको एम्बेसी वाले कॉल करते हैं कि आपके ये ज़रूरी एडिशनल और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे पास इस तारीख को आ जाए। जी हाँ, इस तारीख को आने के बाद वो आपसे इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू में सबसे पहले बहुत सादे और बहुत ट्रिकी सवाल पूछते हैं। अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आप जवाब दे देते हैं तो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं, आपको मेडिकल के लिए रिकमेंडेशन देते हैं, उसके बाद आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है। जी हाँ, वीज़ा कितनी देर का ग्रांट होता है, इसके लिए क्या प्रोसेस है, इंटरव्यू के कौन से क्वेश्चन बात करते हैं, इसके वाले से हम बात करते हैं। तफसील में जाने के लिए काइंडली आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसमें कमेंट्स सेक्शन में भी ज़रूर लिखें और इसको बेल आइकन पर भी क्लिक करें। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं जी, जो हमारे जाने वालों से या दोस्तों से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस कंट्री जा रहे हैं। आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि आप यूनान जा रहे हैं। वो पूछते हैं यूनान में कौन से शहर में जा रहे हैं, वो फिर आपको शहर का नाम भी जो आपके स्पॉन्सर लेटर आया है या जो आपके फ्रेंड्स या कज़न वगैरह या भाई वगैरह आपको वहाँ वकील के थ्रू भेजा है उस पर लिखा होता है। इसके बाद आप यूनान में इस शहर में कौन सा काम करेंगे, तो डेफिनेटली आपको एग्रीकल्चर का वीज़ा मिला है तो आप एग्रीकल्चर का यही जवाब देंगे, जी मैं वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम करूँगा। वो अक्सर फिर पूछते हैं जी, जिस मालिक के पास जो ज़िम्मेदार का यूनानी है उसका नाम क्या है, वो किस शहर में रह रहा है, तो आपको उसका नाम, उसके शहर का नाम भी ज़रूर मालूम होना चाहिए। और उसके हवाले से जब आप वो ज़िम्मेदार है जो फसलें वगैरह लगाएगा, उसके उसने इस वक्त या करंटली किस किस्म की फसलें उगा रहा है, आपको उसके बारे में पता हो कि वो चावल लगा रहा है, गंदम लगा रहा है, स्ट्रॉबेरी लगा रहा है, क्या चीज़ें लगा रहा है, आपको इस वाले से भी कुछ पता मालूम होना चाहिए। इस वाले से वो अक्सर पूछते हैं कि अगर आप वहाँ पे यूनान जाते हैं, अपने वो ज़िम्मेदार जो आपका होगा, ऑनर होगा, जो ज़मीन का ऑनर है, अगर आपको काम पर नहीं लगता, एग्रीकल्चर का काम नहीं आता, तो आप फिर क्या करेंगे। तो हमारे एक दोस्त ने कहा जी, मैं अगर वो मुझे काम पे नहीं रखता तो मैं फिर ड्राइविंग जानता हूँ तो मैं ड्राइविंग करना शुरू कर दूँगा। लिहाजा इस तरह का जवाब देने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं। उसने ये कहा तो उन्होंने उसको वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। सो आपने ये कहना कि मैं एग्रीकल्चर का काम करता हूँ, का वीज़ा है और मैं एग्रीकल्चर का काम ही करूँगा, और जो मेरा ऑनर है, ओनर है जिसने मुझे स्पॉन्सर किया है, वो जो काम कहेगा मैं उसके करने का मजाज का उसका करने का मजाज और पाबंद हूँ। इसके बाद पूछते हैं कि जी, अगर जो आपका ज़िम्मेदार है उसकी अगर वो फैक्ट्री में आपको इन्वाइट कर रहा है, फैक्ट्री में कौन कौन सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वगैरह प्रोसेस होती हैं, और आप तो कौन कौन सी प्रोजेक्ट वगैरह प्रोजेक्ट होती हैं या प्रोसेस होती हैं, तो आपको इसका भी बारे में मालूम होना चाहिए कि उनकी जो फैक्ट्री है फ्रूट्स की या वेजिटेबल की है, वो जो हार्वेस्टिंग के बाद जो क्रॉप्स आती हैं, जो फसलें सब्जियाँ फल आते हैं, उन कौन कौन से आते हैं, उसके नाम वगैरह आपको मालूम होना चाहिए। और ये अक्सर एम्बेसी में लोगों से इन क्वेश्चन के बारे में इस तरह के क्वेश्चन हुए हैं, उनको जवाब देना पड़ा है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ऐसे ज़िम्मेदार कौन से ज़िम्मेदार होते हैं वहाँ पे, या वहाँ पे लैंडलॉर्ड हैं जो कि वीज़े इनवाइट कर सकते हैं या स्पॉन्सर कर सकते हैं, जिसके पास आलमोस्ट वहाँ का जो सिस्टम होता है, अगर 100 कनाल ज़मीन है वो वीज़े इशू करवा सकता है, वो इस चीज़ के लिए अथॉरिटी रखता है कि वो पाकिस्तानियों को या किसी भी एग्रीकल्चर लेबर वीज़े को सीजनल वीज़े के बेस पे पाकिस्तान से बुला सकता है। अगर आपका ये सारे क्वेश्चन के सही जवाब देने के बाद आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो आपको मेडिकल के रिकमेंड करेंगे। मेडिकल के बाद आपका वीज़ा 3 महीने का आपका वीज़ा स्टैम्प होता है। जब आप 3 महीने वहाँ पर जाते हैं, उसी मालिक के पास जाते हैं जहाँ पे जो अपने फार्म वगैरह आए हैं, जो उसने रहाइश वगैरह जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर सेंड किया और जो मेल के थ्रू आया है, उसके मुताबिक करेंगे चलेंगे। जी हाँ, और वहाँ पर जब जाते हैं तो आपको एक दिन की सैलरी कितनी मिलती है, आपको एक दिन की 29 यूरो सैलरी मिलेगी। अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम के चार्जेस आपको ज़रूर मिलते हैं। जी हाँ, उसके बाद अगर हम
लास्ट में फाइनल में बात करें कि इस सारे प्रोसेस में कितना पैसा या कितने अमाउंट खर्च होती है, मैक्सिमम 1,000 यूरो से भी कम लीगल वे से, ठीक है, लिटिगेशन वे से, कानूनी तरीके से आपकी 1,000 यूरो से भी कम इन्वेस्टमेंट या चार्जेस आते हैं। उसमें जो 100 यूरो फीस है जो वहाँ पे आप गवर्नमेंट की फ़ीस पे करते हैं, बाकी 200-300 यूरो जो वकील आपसे चार्ज करता है, बाकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है पाकिस्तान से उनके वाले से आपकी 1,000 यूरो से कम खर्चा आता है और इसमें टिकट भी ऐड है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह, दोस्त, कज़न वगैरह रहते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो पार्ट वन में बात की है कि आप यूनान से ये 4 किस्म के डॕाक्यूमेंट्स मंगवाएँ और पाकिस्तान में ये 2 किस्म के डॉक्यूमेंट्स लें, तो आपको वीज़ा इशू हो सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको किसी एजेंटों के, कोई दूसरे या गैर कानूनी तरीके से तुर्की से वाया ईरान से अपनी जान को अपने हथेलियों पर रखते हुए, अपनी जान की बाजी खेलते हुए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने कानूनी तौर पे आपको सीजनल वीज़े देना इशू करना शुरू कर दी हैं, ताकि जितनी भी ह्यूमन स्मगलिंग है जो गैर कानूनी तरीके से लोग उनके कंट्री में एंटर होते हैं, उनको रोका जा सके और उनकी इकानमी बेहतर होते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है यूनान को, जिसको हम कहते हैं, ग्रीस भी कहते हैं इसका, एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, जिसके उसके लेगर एग्रीकल्चर लेबर की बहुत ज़्यादा शार्टेज है और बहुत ज़्यादा कमी है। इस वजह से उन्होंने सबसे पहला स्टेप यही एग्रीकल्चर सीजनल वीज़े को शुरू किया है। मज़ीद तफसील के लिए कोई